हेलो गाइस वेलकम टू एडूट सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन देयर कॉलेज एंड इंस्पायर टू बिकम ना ऑफिसर्स सो या तो आप फाइनल ईयर में हैं अपने कॉलेज के या फिर प्री फाइनल ईयर में है तो वी विल टेक बोथ द केसेस एंड आई विल टेल यू दैट शेड यू स्टार्ट यूर प्रिपरेशन राइट नाउ और नॉट इफ येस तो क्या करना चाहिए इफ नो देन वाई नॉट ठीक है तो ऑल दीज थिंग्स विल क्विकली डिस्कस एंड बिफोर वी मूव ऑन आई वुड लाइक यू

या फिर आपकी डिफरेंट uh, सेलेबस क्या है कट ऑफ क्या रही हैं ये सब कुछ इस बुक में आपको आंसर्ड मिलेगा इन ब्यूटिफुल पी डी एफ फॉर्मैट इतनी सुंदर बुक आपके सामने है ये आपको फ्रीली अवेलेबल है आपको जाना है लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो वहाँ जाइए इसको डाउनलोड करके अपने पास रखिए आपके बहुत काम आएगी आपकी प्रिपरेशन फेज में और यही नहीं आपको मोटिवेट भी बहुत करेगी ये गाइड बुक क्योंकि जो भी सवाल मन में आएगा उसका आंसर यहाँ मिलेगा ठीक है कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इन पिक्चर हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड एग्जाम इन प्री फाइनल और फाइनल ईयर देखो द स्टूडेंट्स वो आर इन कॉलेज नो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई एम ग्लैड कि आप लोगों को क्लैरिटी है दैट आप नाबार्ड ऑफिसर्स बनना चाहते हो और अगर सोच रहे हो इस बारे में तो थोड़ा कोशिश करो अच्छी क्लैरिटी लाने की यूट्यूब वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगी अबाउट द नाबार्ड प्रोफाइल कैसा एग्ज़ाम है क्या पोस्ट है वो देखो नाबार्ड की वेबसाइट विजिट करो एंड देन जब आपका मन बन जाता है कि मुझे यही पेपर देना है तो मैं आपको

तो जिसका मतलब है कि आपके पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं है देर आर गुड चांसेस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपोजर नहीं है तब उस केस में आपके एडवांटेज पे क्या आएगा आपका होल्ड ओवर योर सब्जेक्ट्स जो मैंने किया है वो बहुत अच्छे से किया है ये चीज आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगी आपको क्योंकि इंटरव्यूअर्स डेफिनेटली आर गोइंग टू आस्क यू अ ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव रेड अबाउट योर नॉलेज अबाउट हाउ यू यूटिलाइज्ड योर कॉलेज डेज क्योंकि आप पर्सन कैसे हैं क्या सीख के आए हो क्या सीखना चाहते हो ये सब तो वहीं से पता चलेगा ना तो माई सिंसेर सजेशन इज पहले तो अपनी पढ़ाई को बहुत सी लो बहुत अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करो उसके बाद में अपने पे, एक दो सब्जेक्ट्स एटलीस्ट आपके ऐसे हों जिनप अच्छी पकड़ो केिकम एन एक्सपर्ट या कल को आपको मास्टर्स करनी है नाबार्ड में जाने के बाद भी आपको मौका मिलता है टू टेक लीव एंड गो नाबार्ड की स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंडर मास्टर्स करने का आपका एक नॉलेज बेस पहले ही होगा इंटरेस्ट पहले ही होगा और वो बहुत काम आएगा आपको ठीक है पहली चीज थी, थी ये एडवाइस जो मैंने आपको देनी थी अब कमिंग टू द पॉइंट्स व्हाट यू शुड डू व्हेन यू आर इन योर प्री फाइनल और फाइनल ईयर ठीक है ये एनिमेशन अच्छा था तो मैंने दोबारा किया तो थ्री थिंग्स दैट यू मस्ट डू फॉर नाबार्ट एग्जामिनेशन आप देखिए अभी चाहे आप फाइनल में है प्री फाइनल में आप ये करना स्टार्ट कर दीजिए आपको बहुत काम आएगा सबसे पहला है मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़ पेपर वेन यू रीड अ न्यूज़ पेपर आई डू नॉट मीन दैट यू टेक टू टू एंड हाफ आवर्स के एक एक लाइन बैठ के पढ़ रहे हो नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है करंट अफेयर्स याद नहीं करने हैं न्यूज़ आई एम नॉट टेलिंग यू टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स थ्रू न्यूज़ पेपर आई एम टेलिंग यू टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट सो दैट यू कैन अक्वेंट योर सेल्फ विद इंग्लिश अच्छे से आ सके द एक्सप्रेस फ्लो जो होता है न्यूज़पेपर पर में वो आपको समझ में आ सके प्लस यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज चलते हैं तो इसके लिए आप क्या कीजिए एडिटोरियल जो पेज होता है लोगों के ओपिनियंस होते हैं वो पढ़िए है। उसके अलावा अलावा आप यू गो फॉर वर्ल्ड अफेयर्स जो दे रखा है वो पढ़िए अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स आप इकॉनॉमी पढ़िए इंडिया की इकोनॉमी बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़िए और फ्रंट पेज तो डेफिनेटली आप पढ़ने ही वाले हैं दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू वैन यू रीड अ न्यूज पेपर विच इज हार्डली गोइंग टू टेक यूर थर्टी टू फोर्टी मिनट्स इनिशियली थोड़े ज्यादा भी लगे बाद में नहीं लगेंगे दैट इज वॉट यूनिट्यूड सो दैट थोड़ी वॉक्या अच्छी हो एक्सप्रेस करना आए उनको पढ़ के और अपने खुद की ओपिनियन बिल्ड हो जब आप पढ़ते हैं एडिटोरियल्स को ठीक है बहुत ही वेल रेड लोग हैं जो लिखते हैं न्यूज पेपर्स में वेन यू रीड दम यू गेट अर्सपेक्टिव दट माई गॉड आई डिट नॉट नो ऐसा भी सोच सकते हैं कोई स्कीम आई है लेट से अग्निवीर स्कीम आई आपने देखा बहुत पीपल आर डिमांडिंग ये होना चाहिए सरकार ने रोल बैक कर ली फिर न्यू ले लेकर तो जब दूसरों के बहुत आपसे ज्यादा नॉलेजफुल लोगों के परस्पेक्टिव से आप समझते हो तो वो आपको एक मेच्योर पर्सन भी बनाते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करते हैं ठीक है ज वर्क ऑन क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश ट्रस्ट मी इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम जस्ट यू कैन डिवाइड योर डेज आई वु से राइड योर मंथ दो या तीन महीने दे दीजिए मुझे तीन महीने क्वॉंटी करना टाइम है प्री फाइनल में बढ़िया टाइम है तीन महीना क्वांट कीजिए तीन महीना रीजनिंग कीजिए इंग्लिश तो न्यूज पेपर पढ़ रहे हो ही रही है लेकिन फिर भी दो तीन महीने दे दीजिए उसकी प्रैक्टिस के इफ यूर इन द फाइनल ईयर देन यू हैव टू पुट तब भी आप दो से ढाई महीना दे सकते हो Why? Assuming full -time अपनी कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हो गाइज अगर आपका क्वाट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा होगा नाबार्ड में तो यू वुड से दैट इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट नॉन मेरिट है ना तो क्यों आप बोल रहे हो इतना पढ़ने के लिए वो इसलिए गाइज वेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अभी क्वॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश कर लोगे तो होगा क्या नॉन मेरिट की एक तो टेंशन नहीं रहेगी वो रिस्क नहीं रहेगा दैट आई एम नॉट गुड इन दैट सब्जेक्ट प्लस यू विल गैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन अ प्योर फॉर अदर एग्जाम ऑल्सो यार कॉन्ट्रीज इन इंग्लिश तो मेरी पहले ही की हुई है सो दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड ठीक है इसको अभी से करना शुरू करो सो दैट यू कैन फोकस ऑन लेटर ऑन द मेरिट सब्जेक्ट ओनली वैन वी टॉक अबाउट ना बट राइट थर्ड इम्पॉर्टेंट माई सजेशन टू यू इज प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूजिंग की बोर्ड अभी से आप स्टार्ट कर दो मेकिंग हैबिट ऑफ राइटिंग थ्रू की बोर्ड नॉट लैपटॉप का दूसरा की बोर्ड ले आओ सस्ता टू टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का आता है गेट दैट एंड स्टार्ट राइटिंग वॉट वॉट कैन यू राइट वेन यू रीड अ न्यूज पेपर ट्राई टू समराइज इन फिफ्टी हंड्रेड वर्ड्स अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो इट इज लाइक वॉट इज हैपनिंग थ्रू दिस टू थिंग्स वन यू आर गेटिंग अकुएटेड विद राइटिंग विद की बोर्ड टाइपिंग सेकेंड यू नो हाउ टू एक्सप्रेस सो बेसिकली इन सारी चीज़ों से होगा क्या मैं आपको बताऊँ आपको क्या काम आएगा फेज वन आपका स्ट्रांग हो रहा है क्यों क्यू आर आपकी अच्छी होती जा रही है सेकेंड में जब हम फेज टू की बात करते हैं सो हियर योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज ऑफ हंड्रेड मार्क्स डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फिफ्टी मार्क्स का दूसरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो भी आपकी अच्छी हो रही है बिकॉज आपको प्रैक्टिस हो गई है आपको नॉलेज आ गई है ठीक है दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू मस्ट डू वेन आर इन कॉलेज एंड देर आर फ्यू वो स्टूडेंट्स होता है ना बहुत ही एस्पिरीशनल की नहीं ये तो मैंने पहले ही कर लिया है दट टेल मी मोर वॉट कैन आई डू सो माई सजेशन इज रैदर देन सिंपली गोइंग एंड स्टार्टिंग ई एस आई या फिर आप अपना ए आर डी पढ़ना शुरू कर दीजिए ये कीजिए पहले स्टेप बाय स्टेप थ्री स्टेप्स जब ये हो जाए देन यू कैन टेक योर फोर्थ स्टेप टूवर्ड्स द एनसीआर आप इकोनॉमी की एग्रीकल्चर से रिलेटेड एन सी आर टीज जोग्राफी है आपकी नैंथ क्लास की वो चीज़ें पढ़ एग्रीकल्चर है ना उसमें काफ़ी वो आप पढ़ना शुरू कीजिए एंड देन उसके बाद यू मूव ऑन टू द सब्जेक्ट बुक्स जो आपकी हैं ठीक है ये कीजिए आप बहुत काम आएगा एंड इफ यू स्टिल हैव टाइम देन

इन वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस वहाँ पे वॉल्टियर बनिए ऑर्गेनाइज करवाइए सो विल एड टू योर रिज्यूम दीज थिंग्स वेरियस डिबेट कॉम्पिटि होते हैं इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज जो भी इवेंट्स रहते हैं ट्राई टू तो पार्टिसिपेट इन दैम आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी पर्सनैलिटी के साथ साथ में पेपर पे दिखेगा इंटरव्यू में काम आएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर स्टूडेंट्स जो थोड़ा पढ़ाई करना चाहते हैं दे डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन ईवेंट्स या ये सब नई कोआर्डिनेशन में नहीं पढ़ना चाहते वो बच्चे क्या कर सकते हैं लेकिन गो टू दीज वेबसाइट्स आई आई बी एफ की वेबसाइट है यूडमी है कोरसरा है, है और भी आपको शायद बहुत मिल जाएंगी देर यू हैव टू गो एंड फाइंड द बैंकिंग कोर्सेज कुछ वीकली कोर्स मंथली कोर्सेज रहते हैं बैंकिंग या फिनेंस के डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं वो आप कीजिए जब आप आई आई बी एफ की वेबसाइट पर जाइए क्लिक ऑन ई लर्निंग

ठीक है, Similarly, you can find such courses on Udemy courses, और भी बहुत आपको मिल इधर दे कैन बी लाइक थोड़े लाइक यू हैव टू पे मिनिस्किल वैल्यू उतना ढूंढ लीजिए या फिर फ्री भी अवेलेबल है बहुत सारे